यार ऐसा तो लॉस सैंटोस के अंदर सच में पहली बार हुआ है। गाइस आपको पता है अपने लॉस सैंटोस के अंदर गए जितनी भी शॉप है ना, हाँ गाइस जितनी भी दुकान है भाई वो सारी की सारी आज क्लोज है। अभी अभी जस्ट गाइस मैं दूध लेने के लिए निकला तो गाइस मेरे को पता लगा भाई लॉस सैंटोस में पता नहीं क्या हो गया, सारे के सारे लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके बैठे हैं। पता नहीं गाइस क्या ही होता रहता है। एक तो गाइस मैं न्यूज नहीं देख रहा ना आजकल, तभी गाइस मेरे को कुछ पता नहीं लग रहा। लेकिन एक सेकंड भाई ये कंटेनर कहां से आ गए मेरे घर के बाहर? जब मैं घर से बाहर निकला था उस टाइम तो गाइस यहां पर कुछ नहीं था। और भाई यहां पर ये टॉयलेट क्या कर रहा है मेरे घर के बाहर? गाइस ये क्या होता रहता है, मेरे को कभी तो कुछ समझ नहीं आता। वैसे यार सिंचन मेरे से ठीक ही बोला था कि गाइस मेरे को अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवा लेनी चाहिए ताकि गाइस मेरे को पता लगता रहे आखिरकार घर के बाहर ये गंदी हरकत कौन ही कर रहा है। जो आपके बच्चे ये बता घर के बाहर वो कंटेनर कहां से आ गए? अब बात सब खुले कौन से कंटेनर आ गए? अब पता नहीं चौप भाई एक टॉयलेट पड़ा है और साथ ही साथ में भाई लोहे के कंटेनर पता नहीं कौन ही रख के चले गया। तो बात सब खुले तो अच्छी बात है ना, बात सब खुले बढ़िया करके उनको भेज दे, कम से कम कुछ पैसा तो मिलेगा। अरे हाँ चौप ये तो तू ठीक कह रहा है भाई, कंटेनर तो है। और गैस अगर मैंने उनको भाई कवाड़ी वाले को बेचा तो कम से कम गैस मेरे को 500 से 600 रुपए तो मिल ही जाएंगे भाई इन लोहे के कंटेनर के। बढ़िया भाई बढ़िया, लेकिन इनके अंदर कुछ है? हाँ गैस एक काम करता हूँ पहले इनको खोल के देखते हैं। आई थिंक इनके अंदर तेल हो सकता है, लेकिन कौन सा तेल? पेट्रोल हो सकता है या फिर गैस सरसों का तेल हो सकता है, पता नहीं गैस कौन सा तेल होगा। वो तो भाई इनको खोल के पता लगेगा आखिरकार इनके अंदर है क्या। खास गैस पेट्रोल मिल जाए फिर तो भाई यार सच में काफी सारे पैसे मिल जाएंगे भाई पेट्रोल को बेचने के बाद। लेकिन गैस मेरे को ये भी पता लगाना होगा आखिरकार ये कंटेनर यहाँ पर लाया तो लाया कौन और किसने मेरे घर के आगे रखे। मैं समझ गया गैस, देखो मेरे घर के आगे भाई काफी सारा खुला स्पेस, तो पक्का गैस किसी ने ना भाई खाली स्पेस देके थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अपना सामान रख दिया। एक काम करता हूँ गैस उसके आने से पहले ना ये सारे के सारे कंटेनर छुपा देता हूँ ताकि गैस उसको ये कंटेनर भाई मिल ही ना पाए। बस अब तो सिर्फ और सिर्फ 2000 ही रुपए रह गए, जैसे मेरे पास 2000 रुपए और आ जाएंगे ना तुरंत मैं एक नई स्कूटी खरीद लूंगा अपने लिए और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपनी स्कूटी खरीदने के लिए। अभी ये जो बाइक है मैं अपने पड़ोसी की लेके आता हूँ डिलीवरी करने के लिए सामान, और साथ ही साथ मैं घर जैसी पहुंचता हूँ तो उसकी बाइक के पैसे भी उसे देने पड़ते हैं। 100 रुपए लेता है रेंट के वो इस बाइक के मुझसे, बाइक चलाने के। जब मेरी स्कूटी आ जाएगी जब तो मेरे को किसी को पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। शायद लोकेशन यही कहीं की थी, हाँ यही घर था, चलो पहुंच गए। अब फटाफट से इनके घर पे आइसक्रीम दे देते हैं, आइसक्रीम ऑर्डर करी थी। अरे भैया बाहर आ जाओ तुम्हारी आइसक्रीम लेके आ गए, ये घर वाला इंसान बहुत अमीर लग रहा है, देखो कितना बड़ा बॉक्स मंगाया है और इसके अंदर आइसक्रीम का डिब्बा एकदम बढ़िया करके। आइसक्रीम खाने का हमारा भी मन करता है लेकिन हम पैसे जमा कर रहे हैं एक बढ़िया स्कूटी खरीदने के लिए, खाएंगे खाएंगे पहले एक बार स्कूटी खरीद ले। लेकिन ये टॉयलेट, अरे इन लोगों ने अपना टॉयलेट घर के बाहर बनवा रखे है क्या, बताओ खुले में करते हैं क्या ये लोग? अबे यार पता नहीं ये सिंचन के बच्चे ने मेरी सारी की सारी सेट का छुपा दी। गैस घर में मेरी एक भी सेट नहीं मिली भाई मेरे को, अब क्या भाई मैं ऐसे ही घूमू क्या? और लगता है गैस जिस बंदे ने मेरे घर के बाहर वो कंटेनर रखे थे ना, आई थिंक वो भाई मेरे घर के बाहर आ चुका है। बहुत देर से गैस आवाज तो लगा रहा है, चलो भाई जाके बोलते हैं मेरे घर के बाहर कुछ नहीं है। हाँ वे एक सेकंड ये तो डिलीवरी बॉय। हाँ सर बताइए। अरे सर आपकी आइसक्रीम का ऑर्डर आ गया और आपकी पेमेंट पूरी की पूरी 650 रुपए, लाइए पेमेंट दीजिए। ओए भाई कौन सी पेमेंट कौन सी, और मैंने तो कुछ सामान ऑर्डर नहीं करा। अरे सर आपके ही घर से ऑर्डर आया है सर, वो भी पूरी की पूरी बहुत बड़ा आइसक्रीम का डिब्बा। अच्छा तो गैस ये है भाई सिंचन के काम। भाई एक बात बता, नाम तो बताया होगा ना जब इसने आइसक्रीम ऑर्डर करी थी? नाम सर उन्होंने बताया तो था लेकिन हमारे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नाम बताया था लेकिन वो छोटा ही बच्चा था वहां से पता लग रहा था। हाँ तो बस ठीक है भाई, कंफर्म हो गया कि सिंचन के बच्चे ने भाई मेरे से बिना पूछे आइसक्रीम ऑर्डर कर दी और मेरे पास तो नहीं है भाई 650 रुपए। और देखो गैस कितना बड़ा बॉक्स है भाई जिसके अंदर भाई आइसक्रीम आई है। काम करो भाई आप ऑर्डर कैंसिल करो और लेके जाओ इसको। अरे ऐसे कैसे ऑर्डर कैंसिल कर दे भैया, हमें स्कूटी खरीदनी, ऑर्डर कैंसिल ना करो। भाई जब मैंने ऑर्डर नहीं करा था मैं कैसे ले सकता हूँ ये तो बता। अरे यार भैया ये गलत बात है, देखो तुम्हारी भाई अब क्या करे इस आइसक्रीम का, आइसक्रीम कैंसिल क्यों करी तुमने? भाई मैंने ऑर्डर करी नहीं। अरे यार तुमने भी हद कर दी, बताओ ये तो बहुत गलत बात है, पहले आइसक्रीम तुम ऑर्डर कर देते हो उसके बाद लेते नहीं हो। वैसे ये अच्छी बात हुई यार, देखो इन्होंने देखो आइसक्रीम कैंसिल कर दी मतलब ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मैं बॉस से जाके बोलूंगा कि बॉस ये आइसक्रीम मुझे खिला दो क्योंकि ऑर्डर तो कैंसिल हो गया, तो मेरा बॉस बोलेगा चल तू खा ले बल्ले बल्ले, कम से कम मेरे को आइसक्रीम खाने का तो मिलेगी। अरे बैनी भैया यार मुझको लगता है अपना यार घर पे डिलीवरी बॉय वाला यार पहुंच गया होगा आइसक्रीम लेके, चलो मैं जाता हूँ और आइसक्रीम लेके आता हूँ, दोनों भाई मस्त करके बैठ के खाएंगे ठीक है। और यार इनका घर तो मुझे सच में काफी अच्छा लगता है यार, जंगल के बीच में इन्होंने बना लिया लकड़ी लगा के अपना घर। चलो फटाफट से बैनी भैया की गाड़ी से जाता हूँ। गाइस आपको पता है आज फाइनली यार बैनी भैया ने आइसक्रीम ऑर्डर करी दी, अब मैं इनसे यार पूरे के पूरे 10 दिन से बोला था आइसक्रीम ऑर्डर कर दो और आज जाके इन्होंने फाइनली आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। लेकिन यार अभी तक डिलीवरी बॉय वाला आया नहीं, उसने गाइस बोला था 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, यार आया क्यों नहीं, ये तो गलत बात है यार। ऐसा होगा गाइस पक्का फ्रेंकल बिया ने आइसक्रीम रख ली होगी, क्या पता यार आइसक्रीम वाला आया होगा फ्रेंकल बिया ने ले ली होगी पैसे देके।
अरे फ्रेंगल भैया कहाँ? अरे सिंचन के बच्चे एक बात बता, मेरी सारी की सारी सेट है कहाँ? भाई मैंने पूरा घर ढूंढ रहा सिंचन, मेरी एक भी सेट नहीं मिली। यहाँ पर एक सेट पड़ी तो है लेकिन सिंचन ये भाई पूरी की पूरी गीली हो रही है। अरे वो सब छोड़ो फ्रेंगल भैया, ये बताओ आइसक्रीम कहाँ है? आइसक्रीम सिंचन, आइसक्रीम तूने ऑर्डर करी थी? और क्या मैंने ही ऑर्डर करी थी? वो था सिंचन भाई मैंने कब की कैंसिल कर दी, और वो था चले भी गया सिंचन ऑर्डर लेके। अरे यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया फ्रेंगल भैया की बच्ची? तुमको पता है बहनी भैया ने ऑर्डर करवाई थी वो आइसक्रीम, वैसे भी मैं उनसे 10 दिन से जिद कर रहा था लेने के लिए, और आज फाइनली उन्होंने हाँ करी और तुमने कैंसिल कर दिया ऑर्डर। अब यार वो ऑर्डर करेंगे भी नहीं फ्रेंगल भैया। अरे सिंचन मुझे लगा भाई तूने इतनी बड़ा बॉक्स ऑर्डर कर दिया और अब मेरे को भाई पूरे के पूरे 650 रुपए देने पड़ेंगे, इसलिए सिंचन मैंने कैंसिल कर दिया। अरे यार हद होती है फ्रेंगल भैया, अब यार मैं नहीं जानता कुछ भी, अब तुम अपने पैसे से यार ऑर्डर करो। नहीं सिंचन भाई मेरे पास सच में पैसे नहीं है। अरे तो तुमने कैंसिल क्यों करा यार ये बताओ? ऐसे टैंकों की मुझे यही बात तो अच्छी लगती है, ये जहां मर्जी चढ़ जाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा पत्थर हो चाहे कितना भी ऊंचा हो, जहां मर्जी ये टैंक चढ़ जाते हैं। ये लो जालियां तोड़ के गड़िया करके गली में घुस गया, हट जाओ गाड़ी वालों, तोड़ दूंगा, चढ़ा दी इसकी गाड़ी के ऊपर, बढ़िया ये टैंक। बड़ी मुश्किल से ये टैंक मिला है, वैसे तो मैं ढूंढने गया था काफी बड़ा ट्रक लेकिन मेरे को ये टैंक मिला। मैंने टैंक के मालिक को बहुत मारा और उससे छीन के लिया ये टैंक, क्योंकि इसके टैंक के पीछे काफी बड़ी जगह है। अब अपने सारे के सारे वो जो कंटेनर है इसके अंदर रखूंगा, लेके भाग जाऊंगा। अरे मेरे सारे के सारे वो कंटेनर यही तो मैंने रखे थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये टॉयलेट रखा हुआ है, लेकिन कंटेनर कहाँ गए? मैं कंटेनर के साथ साथ टॉयलेट भी लाया था, टॉयलेट तो यही रह गया लेकिन कंटेनर कहाँ गए? उन कंटेनर के अंदर बहुत सारा ऑयल है और वो ऑयल बहुत ही ज्यादा महंगा है। आज फ्रैंकलिन को दिखाई दूंगा कि भाई मैंने फाइनली एक लैम्बोर्गिनी परचेज कर ली। वो बोलता था कि मैं कभी भी कोई सुपर कार परचेज कर ही नहीं सकता जिंदगी में, आज दिखाता हूँ उसके मुंह पे दिखाऊंगा अपनी कार। ये लो पहुंच गया फ्रैंकलिन के घर पे। अरे वाह तो इसके घर के बाहर बहुत भीड़ है, कहाँ से आ गया ये सारा का सारा सामान? ये देखो ये खड़ी फ्रैंकलिन की खटारा सी कार। अरे कौन है रे चोर कहीं के? अबे तुझे कैसे पता लगा कि मैं चोर हूँ? बेटे चले जा वरना तेरी कार चुरा लेगा। क्या क्या कार चुरा लेगा? मुंह पे ऐसे थप्पड़ मारूंगा ना कि जिंदगी में किसी ने तेरे इतनी तेज थप्पड़ नहीं मारूंगा। हाथ लगा के दिखाइए कार को, मेरे कपड़े तक बिक गए इस कार को खरीदने में। और बात कर रहा है मेरी कार को चुराने में, वो हुआ क्या कि ये कार थी बहुत महंगी तो हमने सब कुछ बेच दिया लेकिन फाइनली ये कार खरीद ली। हमारे बस कच्चा बचा हुआ है, बाकी सब कुछ बिक गया। अरे बेवकूफ हट जा सामने से, उस कंटेनर के अंदर बहुत महंगा तेल था, वो कैसे भी करके मेरे को कंटेनर चाहिए। कब से इस घर के मालिक को बुला रहा हूँ, वो बाहर आके नहीं दे रहा। अरे भैया वो नहीं आएंगे, एक बहुत खतरनाक आदमी है, वो एक पुलिस वाले है, बहुत खतरनाक है, चले जाओ यहाँ से। क्या कह रहे पुलिस वाले? और क्या भैया ये पुलिस वाले का घर है, तुम्हें नहीं पता क्या? क्या कह रहे पुलिस वाले का घर है क्या? तो यहाँ से निकलना होगा, मैं तो सारा का सारा सामान यहाँ पे चोरी कर लेके आऊँ। फटाफट से अब अपने टैंक लेके निकलता हूँ यहाँ से। वैसे ये जो मेरे टैंक का कलर है जैसे इस पुलिस वाले की गाड़ी बाहर खड़ी थी ना, सेम टू सेम टैंक के जैसा कलर था उसका। जल्दी निकलते हैं फटाफट से, आज उस चौचू वाले ने बता दिया कि वो घर पुलिस वाले का है, वरना तो आज मैं मर ही जाता। अरे वाह यार सिंचन फाइनली आज अपना दोस्त काम आ गया। सिंचन मेरे को लगता नहीं था इसमें इतना दिमाग होगा, दिख रहा है सिंचन उसने भाई उसको बंदे को कैसे भगाया। अरे हाँ फ्रेंगल भाई तुमको तो यार पुलिस वाला बना दिया इसने। और भाई क्या हाल है, नंगे कैसे घूम रहे नंगा? अरे फ्रैंकलिन तू भी तो नंगा ही घूम रहा है, मुझे नंगा बता रहा है। वैसे एक बात बता, मैं भाई सारी बातें सुन रहा था, ये लैम्बोर्गिनी कार तूने सच में खरीद ली क्या? और क्या फ्रैंकलिन खरीद ली, वैसे तू कहाँ से सुन रहा था मेरी बात? अबे मैं यहीं पे छुपा हुआ था भाई। अच्छा करा तूने उस बंदे को भेज दिया, तुझे पता है भाई सुबह सुबह जब मैं दूध लेने के लिए गया था ना तो भाई मैंने अपने घर के बाहर देखे काफी बड़े बड़े यहाँ पर कंटेनर पड़े हुए थे, और भाई मेरे को पता लग गया उनके अंदर भाई तेल है और उस तेल की कीमत काफी ज्यादा है। अब तो सिंचन उसको भाई हम बेचेंगे, उसके बाद तो सिंचन पैसा आएगा। अरे तो याद रखना फ्रेंगल भैया, अब तुम मेरे यार बर्गर पिज्जा और साथ के साथ आइसक्रीम भी ऑर्डर करोगे? ठीक है सिंचन कर देंगे, लेकिन उससे पहले गाइस एक बार लैम्बोर्गिनी कार की ड्राइव तो ले ले। मौला भाई सच में इसने खरीद ली, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा। आ सिंचन जल्दी बैठ। अरे कहाँ बैठ रहे फ्रैंकलिन, ओए उतर जा। अरे भैया इतना भी काहे को डर रहे हो यार, ठोकेंगे नहीं बिल्कुल भी। बढ़िया सिंचन ये कितनी ओपी कार लग रही है। अब सिंचन निकलता है फटाफट से कहीं घूमने के लिए। अरे पर तुमने तो कपड़े भी नहीं पहने हुए, तो क्या हो गया सिंचन कपड़े नहीं पहने? ये तो चेक कर हम कितनी महंगी कार में बैठे। अब सिंचन हम जहाँ भी जाएंगे ना सारे लोग सिंचन हमको रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि भाई इस कार की कीमत है प्रॉपर सिंचन 5 करोड़ रुपए। हाँ सिंचन 5 करोड़ रुपए। अरे तो ठीक है फ्रेंगल भाई फटाफट से तुम प्लान बना लो कहीं घूमने का, अब हम दोनों चल रहे बहुत दूर घूमने के लिए। हाँ तो सिंचन तू बता कहाँ चलना चाहेगा? एक काम करते हैं सिंचन बीच की साइड चलते हैं, और सिंचन वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ पर सिंचन काफी सारी बोटें होती हैं जिनको सिंचन हम चला सकते हैं, लेकिन उनका प्राइस काफी ज्यादा होता है। लेकिन सिंचन जैसे भाई बोट के ड्राइवर देखेंगे ना कि सिंचन हम भाई लैम्बोर्गिनी कार से आए, तो सिंचन वो ना भाई हमको फ्री में बोट दे सकते हैं, क्योंकि सिंचन जो बोट के ड्राइवर होंगे ना वो समझेंगे सिंचन हम काफी अमीर है, तो सिंचन वो हमसे बोलेंगे कि भाई हमें पैसे नहीं चाहिए, ताकि सिंचन उनको लगे कि भाई अमीर बंदा उनको टिप दे दे। लेकिन सिंचन उनको क्या ही पता भाई ये कार तो हमारी नहीं है, ये तो भाई मेरे ढोकले दोस्त की कार है। अरे इसी बात पे गाइस आप
आप लोग फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ में गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाइस यार अगर आप लोगों को शाउट आउट चाहिए ना तो फटाफट से गाइस कमेंट कर दो यार। हाँ गाइस यार जिस भी बंदे को यार शाउट आउट चाहिए ना तो गाइस वो ना यार कमेंट कर दे। और गाइस जिसकी भी सबसे ज्यादा कमेंट होंगे ना उसको गाइस कल वाली वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। गाइस आपको ना कुछ नहीं करना, बस गाइस आपको यार कमेंट करते जाना, कमेंट में कुछ भी लिख दो। और हाँ गाइस यार अपना नाम जरूर लिखना, जब भी तो गाइस मैं आपका नाम पढ़ के आपको शाउट आउट दे पाऊंगा। गाइस बहुत ज्यादा कमेंट कर दो, भर दो यार कमेंट ही कमेंट। और गाइस यार कमेंट के साथ ही साथ गाइस वीडियो को लाइक भी कर दो। हाँ गाइस यार वीडियो पे भाई लाइकों की बरसात करा दो। और सच में सिंचन आज तो हम काफी एंजॉय करेंगे, और क्या यार लैम्बोर्गिनी कार में बैठे एंजॉय नहीं करेंगे क्या, इस तो पूरे डे को एंजॉय कर देंगे। तो फाइनली गाइस अभी भाई हम अपनी लोकेशन में तो पहुंच चुके हैं, और सच में सिंचन ये कार तो भाई काफी तेजी भगती है। सिंचन भाई हम भी एक दिन भाई ऐसी कार परचेज कर ही लेंगे। रिपर फ्रेंगल में भी बीच में हमारा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ गाइस अभी भाई हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, वो तो गाइस अच्छी बात है। इस कार में भाई कहीं भी स्क्रैच नहीं आए, बस सिंचन आगे का ये जो कांच है वो टूट गया। कोई टेंशन नहीं सिंचन, इसे तो हम रिपेयर करा ही देंगे। और यह एक काम करेंगे सिंचन, मैं अपने दोस्त को 200 रुपए दे दूंगा, वो खुद ही ठीक कर लेगा। अरे 200 रुपए में होगा क्या ठीक? मुझे तो लगता है फ्रेंगल पे पूरी की पूरी यार 10 या 20 हजार रुपए लग जाएंगे। 10 से 20 हजार रुपए लगेंगे क्या सिंचन आगे की कांच को ठीक करने के लिए? हाँ ज्यादा ही महंगे लगेंगे, क्योंकि गाइस यार ये महंगी कार भी तो है। लेट्स गो गाइस हम पहुंच चुके हैं। और भाई क्या हाल है? अरे सर आप बताओ आपके क्या हाल है? वैसे सर आप बात कर रहे हो आपकी कांच टूट गया क्या गाड़ी का? हाँ भाई कांच टूट गया, कोई टेंशन नहीं सर, हम अपने दोस्त की दुकान से ठीक करा देंगे। ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ 55 हजार रुपए लेंगे। 55 हजार रुपए? अरे फ्रेंगल बे इसके सामने ये रिएक्ट करोगे, 55 हजार हमारे लिए कुछ भी नहीं है, जब तो फ्रेंगल बे फ्री में अपनी बोर्ड दिखाएगा ही चलाने को। हाँ सिंचन सही कह रहा है क्या भाई, 55 हजार रुपए? तो एक काम कर, मैं तुझे भाई 2 लाख रुपए दूंगा, समझ रहा है? तू मेरी गाड़ी का कांच को ठीक करा दियो। सर जी चले ठीक है, वो टिप दोगे ना आप हमको? हाँ टिप समझियो। अरे सर आप जैसे कस्टमर अगर हमको मिले तो हमारा तो दिन ही अच्छा हो जाए। चल अब ये बता ये बोर्ड का प्राइस कितना है, मेरे को रेंट पे चाहिए चलाने को। अरे सर आपसे हम क्या पैसे ले, कैसी बातें कर रहे हो, सारी बोर्ड सर आप अपनी समझो। हाँ ये हुई ना बात। हाँ सिंचन भाई दिख रहा है हमारा दिमाग है? अरे तुम्हारा दिमाग नहीं मेरा दिमाग, अगर तुम बोलते ना कि 55 हजार ज्यादा है तो अभी ये ना हमसे बोर्ड के पैसे ले लेता चलाने की। हाँ तो सिंचन भाई अब तो हम भाई कोई सी भी बोर्ड चला सकते हैं ना इसकी। गाइस यहाँ पर तो काफी यूनिक यूनिक बोर्ड मेरे को दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक जिस बोर्ड पे सिंचन अभी मैं खड़ा हूँ ना, ये बोर्ड सिंचन शायद पानी के अंदर जाती है। सॉरी सिंचन बोर्ड ट्राई करेंगे भाई आज एक एक करके। बता सिंचन सबसे पहले कौन सी बोर्ड से हमको जाना चाहिए पानी में? आई थिंक सिंचन हमको सबसे पहले सबसे छोटी बोट ट्राई करनी चाहिए। और यहाँ पर सबसे छोटी बोट कौन सी है सिंचन? अरे यहाँ पर छोटी बोट तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रही। आई थिंक सिंचन यही वाली है भाई, ये जो व्हाइट कलर की बोट है। तो लेट्स गो सिंचन, सबसे पहले भाई इसको ट्राई करते हैं, उसके बाद सिंचन एक एक करके भाई सारी बोटों को ट्राई करेंगे, देखा था सही सारी बोटों का एक्सपीरियंस लेके। अरे भाई यार ये बोट तो काफी मस्त लग रही है। तो लेट्स गो गाइस फ्री के अंदर भाई आज हम बोट को ट्राई कर रहे हैं। वैसे सिंचन अपने दोस्त की गाड़ी वहाँ सेफ तो रहेगी ना? अरे उसकी तुम बिल्कुल टेंशन मत लो यार, वो वहाँ पर एकदम सेफ है, क्योंकि बोट का जो चेला है ना वो तो वही खड़ा है ना। सिंचन वो बोट का चेला नहीं भाई, बोटो का ओनर है, सारी की सारी बोट सिंचन उसी की है। लेट्स गो गाइस, आज तो गाइस सच में मजे ही करेंगे हम। अरे एक काम करते हैं फ्रिंगल भाई यार, क्यों ना फ्रिंगल भाई पानी के अंदर चले। पानी के अंदर? हाँ सिंचन भाई आइडिया तो तेरा काफी अच्छा है, पानी के अंदर जाया जाए। अरे हाँ सिंचन एक काम करते हैं पानी के अंदर चलते हैं और देखते हैं सिंचन भाई पानी के अंदर आखिरकार क्या क्या चीज है, क्योंकि सिंचन भाई ये चक्कर यहाँ पर एक कितनी बड़ी शिप खड़ी है। सो सिंचन इसके अंदर भाई कौन लोग होतेंगे? अरे इसकी शिप के अंदर तो फ्रेंगल भाई पक्का अमीरी लोग होंगे ना। हाँ तो सिंचन किसी का भाई ऊपर से फोन गिर गया हो, या सिंचन किसी का कुछ कीमती सामान गिर गया हो, तो सिंचन भाई जो भी सामान पानी में गिरा होगा उस सामान को तो सिंचन हम ले सकते हैं ना। और गाइस मिले या फिर ना मिले कोई टेंशन की बात नहीं गाइस, कम से कम भाई पानी के अंदर जाने का तो मौका मिला। अरे फ्रेंगल भाई यार दिख नहीं रही तुम मेरे को, आजा सिंचन आजा, डर गया तू मुझे लग रहा है। अरे डरा नहीं हूँ फ्रेंगल भाई, ये ले मैं भी कूद गया। बढ़िया गाइस यार पानी तो काफी साफ लग रहा है, लेकिन गाइस यार यहाँ पर मेरे को एक भी मछली नहीं दिखाई दे रही भाई। यहाँ पर मछली नहीं है क्या पानी के अंदर? लगता है गाइस सारी की सारी मछली भाई मछुआरे ने निकाल ली होगी। हाँ गाइस वैसे भी यहाँ पर गाइस लोग आते हैं फिशिंग करने के लिए। एक सेकंड दिख गई गाइस, दिख गई ये चक्रो भाई कितनी छोटी छोटी क्यूट क्यूट मछलियां है। सिंचन के बच्चे कहाँ है तू? अरे फ्रेंगल भाई मुझे तो पानी के अंदर सांस ही नहीं आता इसलिए मैं तो ऊपर चली गया। और गाइस यहाँ पर तो सच में छोटी छोटी काफी सारी मछलियां है। पहले गाइस मेरे को लग रहा था यहाँ पर बिल्कुल भी मछली नहीं है, लेकिन गाइस मैं पानी के अंदर आता कुछ ढूंढने के लिए। काश यार यहाँ पर मेरे को किसी का फोन वगैरह मिल जाए, या फिर गाइस डायमंड वगैरह मिल जाए, लेकिन डायमंड गाइस कौन ही अफोर्ड कर पाएगा, इतने महंगे डायमंड हो चुके हैं। लेकिन एक सेकंड वो क्या चीज है भाई वहाँ पर? अरे मैं तो भाई पत्थर के बीच के अंदर हूँ, लेकिन गाइस यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई तो दे रहा है। यहाँ पर किसी का घर है क्या? हेलो भाई ये घर है क्या? एक सेकंड भाई एक सेकंड, अब तो गाइस मेरे को सांस नहीं आ रही भाई बिल्कुल भी, जल्दी गाइस मेरे को निकलना पड़ेगा बाहर। ओए सिंचन मेरी आवाज आ रही है कि तेरे को? एक सेकंड ये क्या है भाई, यहाँ पर कुछ चमक भी रहा है गाइस काफी तेज। अरे हाँ भाई ये क्या चीज है जो काफी तेज चमक रही है, मेरे को बाहर निकलना है, मेरे को बिल्कुल
सांस नहीं आ रही। लेकिन गाइस उससे पहले मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो कुछ भी चीज है ना जो कि चमक रही है, इसको गाइस मैं लेके निकलता हूँ। हाँ गाइस फटाफट से लेके निकलता हूँ। अरे फेंगल भाई क्या हुआ यार, तुम्हारी आवाज आ रही है मेरे को? लेकिन सिंचन मेरा दम घुट रहा है भाई यहाँ पर। अरे क्या बोल रहे फेंगल भाई? रुक सिंचन रुक भाई, मैं आ रहा हूँ फटाफट से, कुछ चीज तो मेरे को दिख रही है। अरे कहाँ फ्रेंगल भाई कहाँ? लेट्स गो गाइस, अभी भाई मैंने इसको उठा तो लिया है। और गाइस ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, एक काफी बड़ा स्टोन है। और गाइस स्टोन के अंदर से भाई ये काफी बड़ा पत्ता बाहर निकल रहा है, उसके अंदर गाइस ये रोशनी चमक रही है। जल्दी लेट्स गो गाइस, मैं बस पहुंचने वाला हूं। ऊपर की गाइस रोशनी मेरे को दिखाई दे रही है, बढ़िया पहुंच गया ऊपर। ओए सिंचन के बच्चे कहां है तू? अबे यार ये अभी सिंचन नहीं दिख रहा, जल्दी से गाइस चलते हैं बीच के उस साइड और वहां पे चल के देखते हैं आखिरकार ये है क्या। हां गाइस एक पत्ता तो मेरे को दिखाई दे रहा है। और भाई रोशनी गाइस अभी भी चमक रही है, देख रहे हो गाइस पानी के अंदर से मेरे को क्या चीज मिल गई। तो गाइस अभी भाई मैं बीच के किनारे पर तो पहुंच चुका हूं इस स्टोन को लेकर। और ये चेक करो गाइस, सिंचन का बच्चा यहां पर खड़ा है। अरे फेंगल भाई ये क्या लेके आ रहे हो यार, इतनी भारी भरकम चीज अपनी पीठ पे चिपका की। सिंचन बता ये क्या है? अरे इसके अंदर से तो काफी गंदी स्मेल आ रही है। अबे सिंचन तुझे दिख नहीं रहा क्या, इसके अंदर से भाई अलग सी रोशनी भी निकल ली है। अरे हाँ यार रोशनी तो चमक रही है फ्रेंगल भाई, इसे नीचे रखो ना, देखे तो सही है क्या है। ले सिंचन भाई इसको मैंने नीचे भी रख दिया। अब सिंचन बता तू ये क्या है? अरे ये तो एक काफी बड़ा पत्थर लग रहा है। और इसके अंदर से फ्रेंगल भाई ये कैसा पत्थर निकल रहा है? पता नहीं सिंचन इस स्टोन के अंदर से क्या ही निकल रहा है। वैसे सिंचन ये काफी यूनिक चीज लग रही है ना, क्यों ना सिंचन इसको अपने घर पे लेके जाया जाए। अरे मुझे तो ऐसा लगता है फ्रेंगल भैया, अगर हम इस पत्थर को बेकिंग ना तो पक्का हमको काफी सारे पैसे मिल जाएंगे। ये भी तो ठीक कर रहा है, यहीं पे सिंचन आसपास लोगों को ढूंढ लेते ना जो कि सिंचन इसको खरीद सकते हैं। हेलो मैम, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जस्ट मैं पानी के अंदर गया, वो भी काफी गहराई में गया था, उसके बाद मेरे को मिला है यहाँ पर एक पत्थर। हेलो कहाँ जा रही हो यार, सुन लो। हाँ मैम मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो है ये काफी यूनिक है और काफी सस्ता मिल जाएगा, ये भी चले गए। लगता है सिंचन कोई नहीं खरीदने वाला भाई इसको। अरे खरीदेगा क्यों नहीं खरीदेगा, किसी अंकल को पकड़ो वो पक्का यार मुझे लगता है खरीद लेगा इसका। अरे नहीं भाई नहीं, ये क्या हो रहा है सिंचन, ये इस स्टोन के अंदर से निकल लेना। अरे ये क्या चीज है फ्रेंगल भैया, ज्वालामुखी फट गई ज्वालामुखी। अरे भाई ये तो काफी यूनिक स्टोन है सिंचन भाई, मैं तो इसे ऐसे ही समझ रहा था। पूरे के पूरे 1.5 साल हो गए मुझको, 1.5 साल बाद आज मैं बाहर निकला हूँ और दुनिया को देख पा रहा हूँ, कितनी सुंदर लगती है ये दुनिया। मेरे को अंदर बंद कर रखा है, तूने मुझे बाहर निकाला। पर भाई तू है कौन सिंचन, ये सच में इसमें से निकले ना? अरे हाँ यार इसमें से निकले, ये पक्का सिंचन कोई भूत है, एक बार इसकी शक्ल देखियो। अरे बाबरे कितना डरावना दिखता है। पूरे 1.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल बाद मैं बाहर निकला हूँ, और जब भी मैं बाहर निकलता हूँ और जो भी मुझे बाहर निकलता है उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलता है, तो तुम्हारे लिए गिफ्ट देता हूँ। ये रहा गिफ्ट, ये रखो तुम अपने पास, अब मैं चलता हूँ। इबरी की डीबरी चुम। अबे सिंचन वो जहाँ से आया था भाई वो तो वहीं चली गया। अरे हाँ फ्रेंगल भाई वो स्टोन कहाँ गया, वो तो गायब हो गया। और साथ के साथ सिंचन ये चेक कर, वो मेरे को क्या गिफ्ट दे के गया है? ये तो सिंचन एक ट्रैक्टर है जो कि पूरे का पूरा सड़ रहा है भाई, ये ट्रैक्टर है सिंचन। इसके टायर देखिए, पूरे के पूरे टायर भी पिचक रहे हैं, मत बैठे फ्रेंगल भाई। जैसे उस बंदे ने बोला ना कि भाई वो मेरे को कुछ गिफ्ट दे के जाएगा, वैसे भाई मैं काफी खुश हुआ सिंचन अंदर अंदर से, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था वो मेरे को ये गिफ्ट देगा। आ सिंचन बैठ भाई बैठ, फटाफट से इससे अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठते हैं। और गाइस अभी मैं जाऊंगा भाई न्यूज चैनल के पास और गाइस उनको बताऊंगा आज हमारे साथ क्या यूनिक चीज हुई है। अरे फ्रेंगल भाई यार मैं इस पे बैठ तो गया, लेकिन फ्रेंगल भाई मुझे यार बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, देख रहा है आसपास वाले लोग फ्रेंगल भाई हमको किस गंदी नजर से दिख रहे हैं। हाँ सिंचन भाई इतना खटारा ट्रैक्टर तो सिंचन गाँव में भी नहीं चलता होगा, लेकिन सिंचन हम अपने लॉस एंटोस के अंदर ड्राइव कर रहे हैं भाई ऐसे खटारा ट्रक को। अबे क्या हो गया भाई? हेलो अबे चल जा भाई चल जा, देख रहा है सिंचन के अंदर से धुआं निकलने लग गया, लेकिन भाई ये चल नहीं रहा और मुझे नहीं लगता सिंचन अब ये चल पाएगा। भाई ये है कैसा ट्रैक्टर सिंचन, कुछ समझ आ रहा है तेरे को? मुझे तो बहुत ओल्ड मॉडल लग रहा है ये। हाँ ओल्ड मॉडल तो है, अगर सिंचन ये हमारी लैम्बोर्गिनी तक हमको ड्रॉप कर देता ना तो भाई इस ट्रैक्टर का थोड़ा बहुत फायदा होता भी भाई। लेकिन एक सेकंड सिंचन, एक सेकंड भाई, यहाँ पर ये अपनी लैम्बोर्गिनी कहाँ से आ गई? अरे फ्रेंगल भाई जस्ट अभी भाई तुम इसके बारे में सोच रहे थे और ये देखो सामने आ गई। और सिंचन ये वही लैम्बोर्गिनी है भाई जिसको हम चला के लाए थे, देख सिंचन इसके आगे का भी कांच फूटा हुआ है। लेकिन ये यहाँ पर आई तो आई कैसे? एक सेकंड सिंचन मैं समझ गया भाई, सिंचन जैसे भाई मैंने लैम्बोर्गिनी के बारे में सोचा ये मेरे सामने आ गई। अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ यार फ्रेंगल भाई, यार कुछ और बोल के देखना, कुछ और सोचना, अपने घर के बारे में सोचूंगा, क्या पता सिंचन हमारा घर भाई हमारे सामने आ जाए। रुक सिंचन उससे पहले मैं कुछ और सोचता हूँ, मेरा दोस्त मेरे सामने आ जाए। हेलो मेरे दोस्त कहाँ है तू? अबे सिंचन दोस्त तो नहीं आया भाई, हुआ कैसे सिंचन? मुझे लग रहा है ये ट्रैक्टर ये भाई जो कुछ है। अरे हाँ फ्रेंगल भैया दिख रहे हो, अब इतने बड़े हो गए यार अपनी जिंदगी में, लेकिन आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज देखो ये ट्रैक्टर भाई हमको इस बंदे ने दिया जो कि पानी के अंदर से निकला था। तो फ्रेंगल भैया दिख रहे हो ये लैम्बोर्गिनी सामने आ गई। ट्रैक्टर भाई तू एक काम कर, यहाँ से गायब मत हो भाई। नहीं भाई तू गायब मत हो, मेरे को ऐसा लग रहा है इस ट्रैक्टर के अंदर कोई
कोई मैजिक पावर है गाइस। मेरे ट्रैक्टर अगर तेरे अंदर कोई मैजिक पावर है तो अगर तेरे में दम है तो यहाँ पर तू कुछ यूनिक चीज ला के दिखा दे। ओए 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 सिंचन ये क्या है भाई, हम तो बंद हो गए। ये कहाँ से बंद हो गए सिंचन? अरे ये तो रैंप है फ्रेंगिल पे रैंप, लेकिन सिंचन ये बंद हो गए भाई हम यहाँ पर। एक सेकंड यहाँ से गाइस थोड़ा सा खुला स्पेस है, लेट्स गो। फाइनली भाई वहां से मैं निकल तो आया। सोचो गाइस अगर वो भी स्पेस नहीं होता तो भाई सिंचन और मैं हमेशा हमेशा के लिए बीच में कैदी हो जाते भाई। ये ट्रैक्टर तो सच में काफी कीमती है। तो ओके गाइस मैं समझ गया आखिरकार इस ट्रैक्टर का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सिंचन भाई अब तू बस देखता रहे, अब देख मैं क्या करता हूँ। अरे क्या करने वाले हो? मैं बैठा सिंचन इस ट्रैक्टर पे। हेलो ट्रैक्टर भाई तू हमारे घर पे हमको ड्रॉप कर दे भाई। तो ले सिंचन भाई, एक सेकंड भी नहीं लगा, एक सेकंड के अंदर सिंचन इसने तो भाई हमको हमारे घर में पहुंचा दिया। और एक बार ये चक्कर इसके अंदर तो बूस्टर भी है। मैं सिंचन पहले सोच रहा था इसके अंदर कुछ स्पीड नहीं होगी, लेकिन भाई इसके अंदर बूस्टर है। एक सेकंड के अंदर सिंचन काफी स्पीड पकड़ सकता है। लेट्स गो, अब देख सिंचन क्या इस्तेमाल करते हैं इसको। ट्रैक्टर भाई मेरे घर के सामने तू चार भाई एक सुपर कार ला दे, जो कि प्रॉपर चारों कार भाई गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो रखी हो। अरे पीछे देखो फ्रेंगिल भाई यार, चार चार सुपर कार आ गई। देखा सिंचन भाई ये ट्रैक्टर कितना ओपी है भाई साहब, प्रॉपर चार कार आ गई। और गाइस चारों के चारों भाई सुपर कार है और चारों के चारों भाई गोल्ड के अंदर भी कन्वर्ट है। यही पावर तो गाइस मेरे को अपनी लाइफ के अंदर चाहिए थी। अब देखना गाइस मैं कितना अमीर हो जाता हूं। अब सिंचन भाई हमको 7 जन्मों तक भाई कोई काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंचन मस्त करके बैठे बैठे खाएंगे। अरे तो पहले यार कुछ मांगते लो, अभी तो सिर्फ और सिर्फ यार चार ही सुपर कार मांगी है तुमने। तो गाइस अभी पूरे के पूरे 20 मिनट बीत चुके हैं। और एक बार ये चेक करो गाइस, 20 मिनट के अंदर अंदर गाइस मैंने उस ट्रैक्टर से कितना कुछ बोला। और गाइस जो भी गाइस मैंने उसके सामने खड़े होकर बोला ना, वो सब कुछ गाइस यहां पर आ चुका है। एक काम करता हूं गाइस, मैं भाई आपको ड्रोन व्यू दिखाता हूं। आखिरकार गाइस मैंने अपनी टेरेस पे भाई क्या ही कुछ मांग लिया 20 मिनट के अंदर अंदर। वैसे गाइस कभी किसी ने सोचा नहीं होगा भाई कि किसी टेरेस पे भाई कोई बड़ी सी ट्रेन आ सकती है, लेकिन ये चेक करो गाइस मेरी छत पे भाई काफी बड़ी ट्रेन आ गई है यार। अरे वैसे फ्रेंगल भाई एक बात बताओ, आखिरकार ये ड्रोन कितने दूर तक जा सकता है? सिंचन इसकी रेंज काफी हाई है भाई। गाइस यहां पर ये चेक करो भाई, लाइन से मेरी सुपर कार खड़ी है और साथ ही साथ में काफी सारी बाइकें, आर्मी का टैंक, डायमंड, गोल्ड, काफी कुछ मांग लिया मैंने सिंचन। अरे पर ये बस नीचे की पड़ी है। लेट्स गो भाई अब निकलते अपनी गोल्ड कार को लेके। हां गाइस एक बार एक्सपीरियंस तो लो आखिरकार लॉस सेंटोस के अंदर गोल्ड कार चलाने का क्या ही एक्सपीरियंस होता है। जितने भी लोग होंगे ना गाइस सारे के सारे भाई अपनी इस कार को ही देखने वाले हैं, अब तो मेरे को ये पता है। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फ्रैंकल सिंचन आपके भाई तो यार, फटाफट से गाइस अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और गाइस यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस प्यारा वाला बाय।